हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मिसिंग नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एक बॉक्स दिया हुआ है, इसका जो है लास्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो फर्स्ट जो कॉल्यूम है उसका फर्स्ट नंबर यानी कि 4, उसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि लास्ट यानी कि फोर्थ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो सेकेंड एलिमेंट है उससे हम लोग एड करेंगे 3 को, तो कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8 -5 + 3 = 0। सो व्हाट वी गेट द लास्ट नंबर, ओके, ऑफ दैट कॉल्यूम। नेक्स्ट इसी तरह अगर हम लोग दूसरा कॉल्यूम के साथ भी करते हैं तो सेम होगा, 4 × 7 - 3 + 4 = 28 - 4 + 7 = 21, which is the last number also of the second column, which is 21. In the same way, we will deal with the last column, that is 9 × 5, means this and this, -6 + 5, equals to what? 9 × 5 = 45, -6 + 5 = 11. 4 × 3 = 34. So the required number which had been asked over here is 34. मतलब 34 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस अगर हम लोग चलते हैं तो 34 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 56, 65, 78, 12 (30), 44, 14 and 48। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले तो क्या करेंगे, 56 को माइनस करते हैं 44 से, तो करते हैं व्हाट वी गेट, हम लोग को 12 मिल जा रहा है, यानी कि थर्ड वाला ये जो ये कॉल्यूम है इसका बीच वाला हम लोग को नंबर मिल जा रहा है, मिडल नंबर। तो इन द सेम वे लास्ट वाला को पहले चेक करते हैं हम लोग, तो 78 - 48 = 30, विच इज द मिडल नंबर यानी कि सेकेंड नंबर, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम लोग क्वेश्चन मार्क वाला बॉक्स को भी करें सॉल्व तो क्या मिल जाएगा, 65 - 14 = 51, सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 51, ओके। नेक्स्ट टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4, 8, 20, 9, 3, 15, 6, 6 क्वेश्चन मार्क, दिस इज अ क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, ओके। सो ओवर हियर यहां पे क्या करना है, 8 से पहले 2 को मल्टीप्लाई करो +4 = अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 8 × 16 + 4 = 20, यानी कि अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को ऑपरेशन करते हैं, मतलब ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो हम लोग को 20 यानी कि थर्ड एलिमेंट मिल जाता है। तो इन द सेम वे दूसरा का चेक कर लेते हैं कि करेक्ट है या नहीं, तो कैसे किया जाएगा, 3 × 2 + 9 = 6 + 9 = 15, therefore we will deal with the same with the last column which is 6 × 2 + 6 = 12 + 6 = 18, okay, so the required answer is 18, ठीक है। हम लोग कैसे समझते हैं कि इसमें 18 होगा, इसमें मतलब तरह तरह का ट्रिक होता है, अगर ये प्रैक्टिस में रखिएगा मिसिंग नंबर को तो इसी ट्रिक के हिसाब से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस करते करते उसको क्लियर हो ही जाता है कि मिसिंग नंबर में मोस्टली कहाँ पे कैलकुलेशन मल्टीप्लाई होना चाहिए, कहाँ पे सब्सट्रैक्शन, ये सब क्लियर हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में 13 (54, 7, 45, 32, 27, 144, 68). अब इसको कैसे सॉल्व करे, क्या सोचे कि क्या इसमें ट्रिक लग जाए कौन सा, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले 27, उसको अगर हम लोग 7 × 2 करते हैं तो 13 मिल जाएगा, कैसे, 27 - 14 = 13 ही होता है ना, 7 × 4 = 3 और 2 × 1 = 1, तो ये हुआ, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस जो है हम लोग इसमें भी दोहराएंगे और इस वाले रो में भी दोहराएंगे। तो
तो 144 माइनस 45 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 144 माइनस 5 टू 10 90 इक्वल्स टू व्हाट इक्वल्स टू 54 देयरफॉर 68 माइनस 32 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 68 माइनस 4 6 64 देन व्हाट विल वी गेट 4 तो 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस गिवन बॉक्स. नंबर 5 6 9 15 8 12 20 4 6 क्वेश्चन मार्क. इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अच्छा तो इसमें करें कैसे चलिए बताते हैं. 6 प्लस 9 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 15 मिल जाता है ना. यानी कि इस कॉल्यूम में अगर फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को ऐड करते हैं तो फिफ्थ थर्ड एलिमेंट मिल जाता है. तो उसी तरह देख ले इसमें भी, क्या इसमें भी प्रूवन है? तो हाँ 20 आ गया. तो इसका मतलब लास्ट वाला नंबर भी फाइंड आउट करना बहुत ही इजी हो, यानी कि 10 इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके चलिए अब नंबर 6 को देखते हैं. क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 7122 6521 8332 4743 9911 387 क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पे मतलब दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, मतलब कुछ ऐसे है. तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा, फोर डिजिट का सारा नंबर है, इतना हार्ड लग रहा होगा. और यहाँ पे जो है लास्ट में हम लोग का क्वेश्चन मार्क है एक ठो, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है. तो चलिए देखते हैं. 7 सबको पहले ऐड कर देते हैं ना, अपना अपना बॉक्स का नंबर को ऐड कर देते हैं. 7 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 7 1 2 2 तो कितना आएगा? 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12 उसी तरह इसमें भी इक्वल्स टू 14 फिर 8 प्लस 3 11 8 3 11 11 3 14 15 16 4 7 4 3 ओके 4 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू व्हाट 7 3 10 10 8 18 डबल 9 डबल 1 10 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 20 है ना. तो इसमें एक चीज हम लोग को दिख रहा होगा कि जो प्लस टू कर रहे हैं तो दूसरा दूसरा नंबर मिल जा रहा है कि नहीं. प्लस टू करते चलो दूसरा नंबर मिल जाए तो क्या हम लोग दूसरा में भी नहीं कर सकते हैं? लास्ट वाला में भी ऐसे ही रूल को अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा है ना. लास्ट वाला में क्या बोल रहा है? 387 क्वेश्चन मार्क. तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग एक्स मान सकते हैं. एक्स मानने के बाद क्या करेंगे इसको? 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस एक्स इक्वल्स टू हम लोग का क्या आना हो चाहिए? अगर हम 20 में और 2 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग का? 22. तो ठीक, तो इस कैलकुलेशन में हम लोग अगर x को फाइंड आउट कर ले तो x इक्वल्स टू व्हाट क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू तो 22 यहाँ पे 7 3 10 और एक 8 18 तो माइनस 18 तो 18 19 20 21 22 तो 4. सो द मिसिंग नंबर इज 4 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके फ्रेंड्स कैसे पता चला? समझ में आ गया ना. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर. उतना ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है. अगर प्रैक्टिस कर ले तो सिंपल है, चलता ही जाएगा. तो ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन. सेवन टू नाइन फाइव थ्री टेन थर्टीन सेवन सिक्स वन सेवन फाइव सिक्स वन सेवन फाइव फोर फाइव नाइन और क्वेश्चन में मतलब कि लास्ट वाला इसमें भी हम लोग को फाइंड आउट करना. थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, इसमें कैसे करेंगे सॉल्व. तो एक आइडिया समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग ऊपर वाले दोनों नंबर को एड कर देते हैं तो हम लोग को 9 मिल जाता है, यानी कि लोअर का 9 मतलब लेफ्ट साइड. ठीक है,
यानी लेफ्ट साइड में कौन है 9, लोअर पोर्शन में लेफ्ट साइड में कौन है 9, मिल गया। अब अगर हम लोग इसका डिफरेंस निकालते हैं तो आ जाता है 5, ठीक है, विच इज ऑन द राइट साइड ऑफ द लोअर पोर्शन, ठीक है। तो इसी तरह चलो इसमें भी अप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना सही है। तो 3 + 10 = 13 एंड 10 - 3 = 7, ठीक है। तो ठीक सेम प्रोसेस हम लोग इसमें भी करेंगे, इक्वल टू 7 वी गेट 6 - 1 = 5। तो इसी तरह अगर इसमें अप्लाई करें सेम प्रोसेस को तो कैसे करेंगे, कुछ 4 + 5 = 9, 5 + 4 बड़ा वाला को सामने रख देते हैं, 5 + 4 = 9 एंड 5 - 4 = 1, मतलब एक बार सम करेंगे टिक ऊपर वाला नंबर का और एक बार इसका डिफरेंस निकालेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अच्छा सम करने से क्या एक मिल गया आइडिया कि सम जब भी करेंगे तो लेफ्ट लोअर पोर्शन का लेफ्ट आंसर जो है आ गया यानी कि 9, और अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं उसका सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को राइट वाला पोर्शन जो है लोअर पोर्शन का वो जो है आंसर आ गया। तो इससे ये क्लियर है, कुछ उतना हार्ड नहीं था, टफ नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है बस। अब दूसरा क्वेश्चन, अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है इसका भी आंसर ढूंढना है, तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बस मिल जाता है। क्या है फर्स्ट रूल कि पहले एडिशन, यानी कि 5 है ठीक, 6 + 2 + 2 = 10 हुआ, फिर क्या 7, तो मतलब यहां पे 5 ठीक, यहां पे 10 और यहां पे सबको ऐड करने पे कितना होगा 7 × 3 = 10, 10 × 5 = 15 ठीक। तो यहां पे भी चलो अब यहां पे तो क्वेश्चन मार्क यहां पे कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 × 7 = 10 और यहां पे 15 है ना, 5 × 3 = 8 = 9 = 10 = 11 और 11 × 4 = 15 है ना। तो इस हिसाब से क्या समझ में आ रहा है कि एक सीक्वेंस चल रहा है ना, 5 5 का डिफरेंस ठीक है, +5 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहां पे क्या होना चाहिए +5 अगर करें तो 20 है ना, 20 मस्ट बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो उसी तरह ऊपर से भी अगर हम लोग आए तो +5 ऐड करते चलो 20 के घर में ही हम लोग को रुकना होगा ठीक है। तो क्या करेंगे अब, चलो क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लेते हैं, या एक्स या कुछ भी अपने हिसाब से वैल्यू रख लो ताकि इजिएस्ट वे हो, ये सबसे इजिएस्ट वे है दोस्तों जो हम तुमको एक्सप्लेन करें या बता रहे हैं ठीक। तो 7 × 3 = 10 और 11 इधर से 5 + 2 = 7 = 20 हुआ, तो फिर नेक्स्ट क्या है 20 - 18 = 2, तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड आंसर है यानी कि यहां पे जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। कैसे, 2 को अगर यहां पे रखते हैं तो कैलकुलेट करके देखो 20 आ जाएगा, आएगा ना, मान लो यहां पे 2 रखते हैं, 1 + 3 + 7 + 2 + 1 + 4 + 2 यही है ना, करते हैं ऐड 7 × 10 = 11 = 2 = 13 = 14 = 14 + 4 = 18 = 18 + 2 = 20 है ना। तो 20 इज नॉट आवर रिक्वायर्ड आंसर, ये हम लोग को मतलब वैल्यू लाना था, आवर आंसर इज 2, 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट, तो हम लोग का नंबर 9 क्वेश्चन ये है ठीक है। इसमें क्या है, एक ट्रायंगल था छोटा बन गया है, कोई बात नहीं, तो क्या करना है इसको देखिए, इसको देखिए, इसको ध्यान से देखो और समझो। देखो 3 + 2 करने से 5 आ रहा है, 6 + 4 करने से 10 आ रहा है, उसी तरह इसमें भी फाइंड आउट करना है कुछ ना कुछ, तो एक ही सीक्वेंस अगर आता मान लो नीचे में है तो इसमें भी नीचे में आना चाहिए था, लेकिन इसमें तो अगर 10 + 4 को करते हैं ऐड तो 14 आ जा रहा है, तो करना क्या है, तो एक काम हो सकता है कि सर्कुलर वे हम लोग चलते हैं क्लॉकवाइज है ना, एक बार इधर से इधर गए, अब इस बार इधर से इधर चलेंगे, अब लास्ट बार इधर से इधर चलेंगे, हुआ ना। तो 3 + 2 अगर इधर करते तो 5 आ गया, उसी तरह 6 + 4 करते तो 10 आ गया, तो यहां पे क्या होना चाहिए, यानी कि 6 में कितना ऐड करेंगे कि 15 आ जाए, यही ना, तो 6 में कितना ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे तभी ना 15 होगा, तो 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है,
नंबर 10, 7, 5, 3, 11, 9। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए ये कुछ नंबर्स है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्या करना है हम लोगों को इसमें कि सेंट्रल वाला नंबर जो है, सेंट्रल फिगर वाला नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्या किया जाए, एक काम कर सकते हैं कि इन सब को ऐड करते हैं। ऐड करते हैं तो कितना होगा, 7 + 3 = 10, 10 + 9 = 19, 19 + 11 = 30 एंड 30 + 5 = 35 हुआ। और जो सेंटर वाला नंबर है उससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा, 5, 7 × 5 = 35। इसमें भी सेम करते हैं, कितना आएगा, 7 × 10 10 + 8 = 18, 19 + 6 = 25। इसको भी सेंटर वाला नंबर से डिवाइड करते हैं तो 5 × 5 = इतना होता है। देखो इसमें भी 5 आया, इसमें भी 5 ही आया, तो इसका भी देखे चले। चलिए इसको भी उसी तरह ऐड करते हैं, तो 12 + 2 = 14, 14 + 2 = 16, 16 + 16 और इधर 7 × 7 = 14, तो 16 + 14 कितना होता है, 30। टोटल नंबर हुआ 30। तो इसको भी मतलब सेंटर वाले नंबर से डिवाइड करना होगा, है ना। तो सेंटर वाला नंबर में कितना नंबर होना चाहिए कि हम लोग का इसको काट कूट के वैल्यू जो है 5 आएगा, है ना। तो 6 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, यानी कि 6 × 5 = 30, तो आ जाएगा वैल्यू 5, है ना। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 6। 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर जो कि यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे 6 करते हैं तो 30 जो है 6 से कट जाएगा और 5 रिमाइंडर जो हम लोग के पास बचेगा वो 5 ही आएगा, तो इसीलिए 6 विल बी द आंसर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना।